पीसीआर की जो वैन है लगी हुई है मुस्तैदी के साथ, ताकि किसी प्रकार से अगर क्राइम की अगर कोई सूचना मिलती है तो प्रशासन तुरंत जो है उस पर काबू पाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया दे सके। और ये वाकई काबिले तारीफ है, जैसा कि कड़ाके की ठंड अभी राजधानी रांची में है, लोग जल्द अपने घर को लौट जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आधी रात को हम निकले हैं नाइट स्कॉप में, ये जानने के लिए खबर 365 विशेष में कि हम देखें कि इस वक्त राजधानी रांची में जिला प्रशासन कितनी मुस्तैद है। क्राइम जो है रांची राजधानी में लगातार बढ़ रहा है, हो ना हो रोज दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है, चोरी की घटनाएं हो चाहे डकैती की घटनाएं हो, और लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि इन सभी चीजों पर रोक लगाई जाए। इसलिए प्रशासन जो चौक चौराहों पर मुस्तैद दिख रही है, और पीसीआर के जवान जो है पीसीआर चौक में पूछताछ कर रहे हैं एक व्यक्ति से, हम भी जानेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? मायापुर साहब भैया। कहाँ से आ रहे हैं? मायापुर। कहाँ जाना है अभी आपको? अभी घर जाना है। रात के 2 बज रहे हैं इस समय, आप सड़क पे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? ट्रक में काम करते हैं, खलासी वाला। ट्रक में काम करते हैं, रोज आपका आना जाना है? हाँ, कभी कभी बीच बीच में आते हैं, जैसे घर में बुलावा आ गया तो जाते हैं बीच में, फिर वापस चल जाते हैं। चलिए, हम कुछ पीसीआर के जवानों से भी जानेंगे कि इन्होंने पूछताछ किया, क्या पूछताछ किया आप लोगों ने, हम आपसे जानेंगे क्या पूछताछ कर रहे हैं, क्या इनसे क्या आपको पता चला कि क्या है ये, क्या लगा आपको? क्या लगेगा, कहाँ से आ रहा है इतना ठंड में, इतना ठंड में कहाँ से आ रहा है करके हम लोग पूछताछ की। चलिए, ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि पीसीआर के जवान रांची जिला प्रशासन तत्पर है कि हम क्राइम को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रोकने का प्रयास करें। चौक में और यहाँ पर भी मैं जानने का कोशिश करूंगा कि जो है विधि व्यवस्था, प्रशासनिक विधि व्यवस्था, जो रात्रि में पीसीआर के जवान होते हैं वो जवान अपनी मुस्तैदी किस तरह से बनाए हुए हैं, क्योंकि झारखंड में जो है लगातार ठंड बढ़ रही है, और ठंड में भी इन जवानों को देखिए, पीसीआर के जवान जो हैं मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, ताकि किसी प्रकार से राजधानी रांची में अगर घटना घटती है तो उस पर तुरंत हम कार्रवाई कर सकें और अपराधियों को तुरंत उनके ऊपर शिकंजा कर सकें। हम पीसीआर के जवानों से भी बात करेंगे कि जो यहाँ पर रात्रि गश्ती में यहाँ खड़े हुए इतनी ठंड में, पहले तो खबर 365 की ओर से पीसीआर 7 को बधाई है कि इतनी ठंड में ये यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, ये काबिले तारीफ है। ये आपको खबर 365 की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप इतनी कड़ाके की ठंड में मुस्तैदी के साथ यहाँ चौक में जमे हुए हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि अगर आसपास किसी प्रकार से अगर घटना घटती है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कितनी देर में आप लोग रिस्पांस दे देते हैं? हम लोग तो तुरंत जाते हैं, 5 मिनट में चल जाएंगे। जैसा में आप लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, तब वारदात पे दूरी के मुताबिक हम लोग पहुँच जाते हैं। 5 मिनट हो, कहीं 10 मिनट लगेगा, ज्यादा दूर रहेगा तब। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो है महिलाएं कुछ होती हैं जो देर विकार सड़कों पे होती हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जाती है? आज खबर 365 विशेष जानना चाहता है किस तरह से पीसीआर जो है उन्हें हेल्प करता है। हाँ, तो उनको से पूछताछ करके गंतव्य स्थान पर पहुँचाया जाता है। चलिए, खबर 365 लगातार हर चौक चौराहों पर जाकर के ये ख्याल रख रहा है कि पीसीआर अपनी काम बखूबी कर रही है या नहीं, क्योंकि कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि जवान जो है मुस्तैदी के साथ चौक चौराहों पर खड़े हैं, ये काबिले तारीफ है। खबर 365 की ओर से सभी रांची जिला प्रशासन के जवानों को है, हम खबर 365 की ओर से शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में ये चौक चौराहों पर हमारी पे
और आप मेरे पीछे देखिए PCR 23 खड़ी है और हम खबर 365 विशेष हर चौक चौराहों पर जा रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं कि PCR 23 हो या फिर PCR 28 हो, सभी PCR जो है निरंतर अपनी ड्यूटी करें और जो उनकी ड्यूटी में अनियमितता होती है उसी का ध्यान रखते हुए हम खबर 365 विशेष में रात्रि में हम PCR के जवानों से उनकी राय ले रहे हैं कि वो किस तरह से अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो कितनी देर में वो रिस्पॉन्स दे देते हैं, लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपको आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार से कोई अगर घटना घटती है और आप लोगों से संपर्क किया जाता है तो कितनी देर में PCR से मदद लोगों को मिल जाती है? हम लोग सर तुरंत मदद मिल जाता है कि 10-15 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं जहां घटना होती है, वहां पर हम लोग तुरंत फोन पड़ता है तो वहां से हम लोग तुरंत निकल के यहां से अपना प्रस्थान कर जाते हैं। और प्रस्थान करते हैं किस हालत में है वो, उसको हम लोग वहां से फिर उठा के ट्रैक्टर को हम लोग सूचित करते हैं, उनको बोलते हैं जब कोई घटना अधिक हो जाता है तो वहां से हम लोग लेके जाके हम लोग रिम्स या कोई हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर इलाज कराते हैं। खबर 365 विशेष ये भी जानना चाहता है कि रात्रि में हम कभी देखते हैं कि सड़क पे या चौक चौराहों पे यदि कोई महिला खड़ी दिखती है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, किस तरह की पहल करते हैं? हम लोग उसके साथ ही अच्छा से पहल करते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ जाना है। यदि वो बोलती है कि नहीं सर हमको घर जाना है, थे हमको डेरा जाना है, हमको बस पकड़ना है, वो बस को बस तक हम लोग वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं या पहुँचा देते हैं, या कोई गाड़ी का साधन पर पहुँचू उसको बैठा के हम लोग भिजवा देते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि रांची में कई जगहों पर जो है बलात्कार की घटनाएं घटी हैं और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी है। अगर प्रशासन अगर सही तरीके से अगर एक कॉल पे अगर रिस्पॉन्स देती है तो इस तरह की घटनाओं से रोक लगाया जा सकता है, सर क्या लगता है? हाँ, बस घटना पर तो हम लोग काबू पाते हैं, ही बात नहीं कि नहीं पाते हैं, सो हर तरह से हम लोग जहाँ तक होता है कोशिश करते हैं कि घटना कायम मतलब हम लोग को रुके, और हम लोग प्रयास करते हैं कि हर जगह हम लोग सक्षम से हम लोग अपना पहुँच के वहाँ से उसका निष्क्रिय करें। और एक बात, क्योंकि झारखंड में जो है रांची राजधानी में कड़ाके की ठंड गिर रही है और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप हमने पाया कि आप चौक में खड़े हैं इस वक्त मुस्तैद, तो किस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं आप? समय हम लोग तो ठंडा बरसात हो या गर्मी हो या ठंडा हो हर तरह से हम लोग मकसद करते हैं, रात भर हम लोग जगते हैं, जग के हम लोग परिश्रम करके चारों तरफ से हम लोग गश्ती करते हुए हम लोग जो भी कहीं घटना होती है छुटपुट होती है वहाँ पर हम लोग अवश्य दौड़ जाते हैं गाय को लेके, और गाय लेने के बाद वहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि क्या किस हालत में ये पड़े हुए हैं, और वहाँ से हम लोग तुरंत ट्रैक्टर के सूचित करते हैं, सूचित के अनुसार थाना प्रभारी को सूचित करते हैं, दोनों को सूचित करने बोलता है कि ठीक है उसको हॉस्पिटल ले जाए, तो नज़दीकी हॉस्पिटल जो हम लोग को है वहाँ पर हम लोग पहुँचा देते हैं और इसका इलाज मतलब करवा भी देते हैं वहाँ पर हम लोग जाके। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, आप इतनी कड़ाके की ठंड में मुस्तैदी के साथ चौक में जमे हुए हैं, तो खबर 365 विशेष की ओर से आप सभी PCR के जवानों को शुभकामनाएं हैं। सर, आपका परिचय एक बार बता सकते हैं आप? सही, नंदलाल प्रसाद यादव, PCR 23। हम लगातार आपको खबर 365 विशेष में नाइट स्कोप के प्रोग्राम में आपको हम लगातार छोटी मोटी घटनाओं से हम वाकिफ कराते रहेंगे। खबर 365 विशेष के लिए विकास के साथ आकाश की रिपोर्ट।